वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। मैं अभी अभी बैठ के हम बात कर रहे थे कि आज मतलब कुछ स्पेशल दिखाना था आपको। जाएंगे एक जगह पर, शायद जा नहीं पाए क्योंकि मेरा कुछ काम था, तो मैं ऑनलाइन में काम था तो मैं रुक गई और वो भी हो नहीं पाया। जहाँ जाने वाले थे वो भी जा नहीं पाए। और एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी सासू मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। मैं कल भी आपको बता रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही ये डॉक्टर के साथ मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो क्योंकि वो चल नहीं पाते, ज़्यादा हाँपते हैं, तो मतलब लेके जाना भी प्रॉब्लम है उनको, तो इसीलिए डॉक्टर के साथ बात किए और हम लेके जाएंगे। अभी बजा है कितना, 7:30, और हम उनको डॉक्टर बोले हैं कि नाइट ड्यूटी में वो बैठेंगे रात के 10 बजे हॉस्पिटल में, तो हम वहीं पे ही लेके जाएंगे उनको। तो एक्चुअली 24 आवर उनका ऑक्सीजन लगता है, तो ऑक्सीजन लगा के खाली बाथरूम जाने आने में खोलते हैं। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक घंटा बैठ के बातचीत करते हैं तो खोलते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन एनी टाइम लगा रहता है। हाँ। उनका थोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है बॉडी में, उनका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पड़ गया, इसीलिए उसको निकालने के लिए वो बायपाप मशीन लगता है और ऑक्सीजन मशीन लगता है। क्योंकि वो बायपाप जो मशीन रहता है वो प्रेशर से हमारा जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को डालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर घुसाता है फ्रीली घुसाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। हाँ। तो ये आज नहीं, 3-4 साल हो गया कंटिन्यू चल रहा है उनका। तो घर में मशीन रखे हैं, बायपाप मशीन खरीद के रखे हैं, और ऑक्सीजन मशीन भी है, ऑक्सीजन मशीन है, नेबुलाइजर है, एनिमोलाइजर भी लेते हैं, तो वो सब चल रहा है उनका। पर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो एक्चुअली कुछ साल से ना, 5 साल से उनका तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक थे पर तबीयत ख़राब होने का रीज़न वही, उनका थोड़ा एक गॉल ब्लडर का ऑपरेशन हुआ, स्टोन हो गया था, उसके बाद अचानक से एक दिन सेंसलेस हो गए। तो यहाँ से बुल्ला लेके गए, तो वहाँ पे बोले कि वही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बॉडी में बढ़ गया है, एडमिट करना पड़ा 10-15 दिन करीब वहाँ पे एडमिट थे। उसके बाद उसका ना कुछ इलाज नहीं है, यही इलाज है उसका, तो अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहे हैं, तो उनको लेके मतलब चलते चलते हाँपते हैं, वो ज़्यादा हाँपते हैं तो चल नहीं पाते, हाँपने की वजह से चल नहीं पाते, तो इसीलिए डॉक्टर को मतलब थोड़ा सा जाके दिखा देंगे। क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन भी निकला है, तो उसी की बेसिस में क्या मेडिसिन देंगे, मेडिसिन तो वो खा रहे हैं ऐसा नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा दिखा देंगे बोल के अभी। ओ एक्चुअली जो चेस्ट का डॉक्टर है वो बुल्ला में है, तो बुल्ला लेके जाने का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में। हाँ, वो भी है, तो उसी के लिए बुल्ला तो नहीं ले सकते हैं अभी, तो यहाँ पे जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं उनसे मैं कॉन्टेक्ट किया। हाँ। वो बोले कि आप लेके आइए, 10 बजे के बाद मैं रात को ड्यूटी करता हूँ हॉस्पिटल में, वहीं पे दिखा देंगे। हाँ, नाइट शिफ्ट है तो माँ तो चल फिर नहीं सकते है ना, तो थोड़ा दूर जाने से उनको सांस फूल जाता है उनका पूरा, तो अभी लेके जाएंगे वहाँ पे, वो व्हील चेयर रहेगा, व्हील चेयर में लेके जाएंगे, डॉक्टर के दिखाएंगे, फिर लाएंगे और तो हॉस्पिटल से उनको दिखा देंगे, और आने के बाद तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे, अभी भी वो ऑक्सीजन में ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर होगा तो उस टाइम पे मैं लेके जाऊंगी। ये मैं, बड़े भैया और मेरा देवर, तीनों जाएंगे, 4 जन जाएंगे, तो वही जाके थोड़ा सा दिखा देंगे और होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। इसीलिए ना हम जो आज ब्लॉग बनाने वाले थे, जहाँ पे जाने वाले थे नहीं जा पाए, तो आज सुबह से हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद ऑफिस से भी फोन आया कि वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, फिर से जो ट्रेनिंग हो रहा था वही वाला फिर होगा। तो अभी सब लोग लिस्ट भी मांगे, तो बैठ के फिर 2:30 बजे तक वहाँ पे लिस्ट रेडी करके फिर स्कूल गए, आए 4 बजे, तो उसी के लिए बना नहीं पाए।
ब्लॉक और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इवनिंग में जो स्टार्ट करने वाले, जो मतलब अभी जो जाने वाले थे, मैं सोची थी कि 6 बजे जाएंगे एक जगह, उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग, तो वो तो हो नहीं पाया, तो फिर नेक्स्ट कल देखेंगे उसका, है ना। अभी ये कैसे हंस रहे थे उसके आगे, मैं दिखाऊंगी वो वाला क्लिप, डालूंगी देखना। और एक बात, कल और परसों का ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे। तो फिर बाद में मिलते हैं, अगर मम्मी को अभी लेके जाएंगे रात में तो मैं दिखाऊंगी तो वो वो वाला, वाला चीज होगा तो हम शूट करेंगे, नहीं तो शूट भी नहीं करेंगे, देखेंगे सिचुएशन देखेंगे देख के, सिचुएशन देख के। और आके मैं बताती हूँ आपको तो क्या वो हुआ। वाला थोड़ा ठीक नहीं लगता है दिखाने के लिए भी, होगा तो मैं मम्मी को दिखाऊंगा। मैं कल तो मिलाई थी आपको, वो बात किए थे, तो फिर देखते हैं फ्रेंड्स। ओके बाय। बाय। ये देखिए मैं अभी ये नीचे उतर रही हूँ, ये बाहर जाके गाड़ी निकाल चुके हैं, और ये मम्मी बैठ के अपना मेडिसिन्स ले रही थी, ये ऑक्सीजन निकाली, मेडिसिन एक खाएंगे और जाएंगे, और उसके बाद आके बाहर बैठे और फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाए, और फिर हम चले गाड़ी में, धीरे से उनको लेके गए। मैं उनके साथ पीछे बैठ रही हूँ, ये और बड़े भी आगे बैठ रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे। करीब 10:30 के ऊपर हो चुका था ये टाइम, और मेरा देवर बाइक में आ रहा था। देखिए ये वाला हॉस्पिटल चौक में पहुंच चुके हैं, ये मेरे देवर को फ़ोन कर रहे थे कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद आया, पीछे पीछे आया। और देखिए ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक रास्ता, वहीं से होके हम जा रहे हैं, ये वाला, और ये मम्मी जी बैठे हैं पीछे, और ये आके पहुंच गए हॉस्पिटल में। वहाँ पे ना ये व्हीलचेयर लेके आए मेरे छोटे देवर, उसी पे ही बैठ के मम्मी जाएंगे, और ये मास्क लगा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरा सांस फूल रहा है, मास्क मत लगाओ, तो भैया थोड़ा सा लूज़ करके लगा दिए। और जब मैं अंदर गई ना, अंदर का शूट सब नहीं की कि डॉक्टर लोग, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ भी था वहाँ पे, तो ठीक से नहीं हो पाया बोल के मैं फ़ोन रख के गई थी। आने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको, देखिएगा। इसके बाद उनको अंदर ले गए, और ये देखिए ये अंदर दिखा के बाहर ले आए हैं, और मैं इनको बोली कि हॉस्पिटल का थोड़ा सा शूट कर लीजिए। देखिए ये है सुंदरगढ़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और मतलब बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छा है। आजकल गवर्नमेंट का बहुत फैसिलिटी मतलब दे रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो फिर यहाँ से होके हम अभी घर चले। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। ये देखिए हम आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के, और डॉक्टर ने बोला कि उनका बीपी ठीक है और बाकी सब देखे, और बोले हैं कल थोड़ा सा यूरिन टेस्ट और यूरिन कल्चर कर दे करने के लिए, और यूरिन और हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन टेस्ट कर देंगे, और ये सब मेडिसिन दिए हैं गैस्ट्रिक का, और उनका जो स्पाइनल कॉर्ड पेन हो रहा है, कमर जो दर्द हो रहा है उसका, और बोले हैं टेस्ट करके उसके बाद दिखाने के लिए। अभी वो ठीक है, और थोड़ा सा जो हाँफ रहे हैं ना वो हेल्थ के लिए, उनका तो प्रॉब्लम है पहले से, उसी के लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। बोले कि यूरिन इन्फेक्शन निकला था ना, उसी के वजह से भी थोड़ा सा वीकनेस रहता है, तो वो सब टेस्ट कर लेंगे और फिर से डॉक्टर को दिखाएंगे। और ये देखिए पास में बैठी है मम्मी जी, देखिए बेटी अभी हम लोग आ गए ना अभी हॉस्पिटल से, वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अभी और उसके बाद सोने जाएंगे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखें, ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट मम्मी जी का क्या रिपोर्ट आता है मैं जरूर बताऊंगी ब्लॉग में, या फिर दीदी बताएगी ब्लॉग में। और मम्मी जी अभी आप लोगों को गुड नाइट बोलेंगी, कौन को गुड नाइट बोलेंगे, गुड नाइट बोल रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।